लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक द्वित का मामला आगे आया है, जहां सट्टे के शौकीन फिरियादी ने साल भर के अंतराल में लाखों का सट्टा खेला, किंतु आखिर में जिनसे हारा वो बुकी ब्रदर्स ही उसके जानी दुश्मन हो गए। तंग आकर फिरियादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मामले की नींव में जाए तो प्राप्त जानकारी के आधार पर तकरीबन 6 अक्टूबर 2023 से 6 मई 2024 के अंतराल में गरबा मैदान परिसर निवासी आशुतोष महेश लेखवाणी 28 वर्षीय ने कुख्यात बुकी जरीपटका निवासी युवराज भारत हरियाणी 30 वर्षीय और संतोष हरियाणी 28 वर्षीय के माध्यम से कई लाखों का सट्टा लगाया, जिसमें आशुतोष लगभग 35,50,000 का ड्यू हार गया, जिसका भुगतान उसने 17 लाख कैश और मां और पत्नी का मिलाकर 25 तोला सोना देकर किया। किंतु कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। इन बुकी ब्रदर्स ने अब आशुतोष को धमकाना चालू किया, जिसमें वह अभी भी 3.5 लाख की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं तो आशुतोष के पिता के दुकान में जाकर उन्होंने उधम मचा दिया। दरअसल यह हरियाणी ब्रदर्स अपने मराठा सावजी नामक होटल में बिना लाइसेंस शराब परोसते हैं, जिसके चलते इन पर ऐसी कई शिकायतें भी दर्ज है। बहरहाल मामले की ओर वापिस आते हैं। इनके बढ़ते धमकियों ने आशुतोष के नाक में दम कर रखा था, जिसके चलते फिरियादी ने लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत दोनों बुकी हरियाणी ब्रदर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें युवराज को हिरासत में लिया गया है तो संतोष की तलाश जारी है, जिसकी जानकारी दी पुलिस उपनिरीक्षक आदर्श भंडारे ने। यामध्ये सर दोन आरोपी आहेत। जो फिरियादी आहे याला क्रिकेट सट्टा खेळायची सवय लागलेली होती व हा ऑक्टोबर 2023 पासून मे 2024 पर्यंत म्हणजे कमीत कमी 8 महिन्यात याने 17 लाख रुपये कॅश व 25 तोळे सोने असा एकूण मुद्देमाल 35,50,000 रुपये हा सट्ट्यात हरलेला होता। म्हणजे सट्टा घेणारे गैरअर्जदार आहेत, आरोपी आहेत, ते याला वारंवार धमकवत होते एवढे पैसे देऊन देखील 35,50,000 रुपयेचा मुद्देमाल देऊन देखील अजून 3.5 लाख रुपयाची ती मागणी करत होती आरोपीकडे फिर्यादीकडे। त्यानंतर फिर्यादी हा घर सोडून गेला व त्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आलेला आहे। अगोदर आरोपी जे आहेत त्यांच्यावर अगोदर देखील गुन्हे आहेत, जरीपटका वगैरे पोलीस स्टेशनमध्ये ते गुन्हे दाखल आहेत आणि तू जर पैसे दिले नाहीत तर तुला आम्ही उचलीन, तुला सोडणार नाही, तुला जिवंत मारीन अशा पद्धतीने ते धमकी देत होते। ते त्याच्या दुकानात देखील गेलेले होते, त्यांच्या वडिलांना देखील त्यांनी धमकवण्याचा प्रयत्न केलेला होता व पैसे मागण्याचा प्रयत्न केलेला होता। आरोपीमध्ये एकूण 2 आरोपी आहेत, युवराज भारत हरियाणी व त्याचा भाऊ संतोष भारत हरियाणी असे 2 आरोपी आहेत। यामध्ये युवराज भारत हरियाणी हा सध्या आमच्या अटकेत आहे व जो संतोष आहे तो अजून फरार आहे, त्याचा शोध घेणे चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंभरे की रिपोर्ट।